और हमारा जो दाना बनता है ना तो इस्माइल मारता है, और हम ऐसी कोई खतरनाक चीज़ नहीं डालते हैं जैसे जुए ये दाने वाले जुए डालते हैं, कंपनी वाले डालते हैं, पर हम ऐसी कोई चीज़ नहीं डालते हैं। हम देसी जड़ी बूटी का दाना है, और बॉडी वेट बॉलर का हो चाहे देसी का हो तो बॉडी वेट भी जबरदस्त आता है। और मुझसे जुड़ के ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है सक्सेसफुल 100% हो गए, ये मैं गारंटी देता हूँ, लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर पर। और बीच बूच में जब भी आपको जरूरत पड़े शाम के 8 बजे से 10 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ जी जी, तो उस दौरान आप बात करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों, बहुत सारे फार्मर भाइयों को फीड की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, उन्हें फीड नहीं मिल पाता। उनकी जो फार्म की जो लोकेशन रहती है वो ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पे आसपास फीड अवेलेबल नहीं हो पाता। तो आज वो समस्या आपकी एकदम सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आज आपको एक ऐसे फार्मर भाई से मिलवाऊंगा जो ये फीड प्रोवाइड करवाते हैं, और जो उनकी फीड है उसकी जो खासियत है वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। भाई, क्या उन्होंने हटके से जो ये फीड है उसके अंदर कर रखा है जिससे कि जो आपके चिक्स हैं वो हेल्दी रहें, जो आपकी बर्ड है वो हेल्दी रहे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपको बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, ये मेरे एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है ताकि मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी आती है वो भी आप एक दूसरे एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्मर भाई से सीख सकते हैं। बाकी चलिए जो आज की वीडियो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस लोकेशन के बारे में बताएं जहाँ पे आज हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं। भैया, हम बरेली यूपी से और कटघर मोहल्ला है, हाँ, यहाँ से हुए हैं हम, और वीरपाल सिंह राठौर हमारा नाम है जी। अच्छा, आज हम जो ये वीडियो कवर कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर भाइयों को दिक्कत रहती है फीड की, है ना, खास करके जो ये फार्मी जो फीड आती है इसकी बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि बड़े फार्मर को तो देखो कंपनी के थ्रू मिल जाती है फीड, लेकिन छोटे फार्मर भाइयों को फीड की समस्या रहती है। तो आज मैं चाहता हूँ कि ऐसे फार्मर भाई से जैसे आप हो उनसे मिलवाना कि भाई उनकी वो समस्या दूर हो जाए। तो आप थोड़ा सा बताओ, आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाते हो फीड के अंदर? जो दाना जिस प्रकार का बनता है, ठीक है, वो पूरी मेडिसिन हम जो है प्रोवाइड करा देंगे जी। मतलब दाना जिससे बनता है वो मेडिसिन या मेडिसिन अलग? मेडिसिन जो दाने में बन यानी कि पड़ती है जी, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करा देंगे जी जी। और हमारा जो दाना बनता है ना तो इस्माइल मारता है, और हम ऐसी कोई खतरनाक चीज नहीं डालते हैं जैसे जुए ये दाने वाले जुए डालते हैं, कंपनी वाले डालते हैं, पर हम ऐसी कोई चीज नहीं डालते हैं। हम देसी जड़ी बूटी का दाना है, और बॉडी वेट बॉलर का हो चाहे देसी का हो तो बॉडी वेट भी जबरदस्त आता है, और इसमें कोई ना इस्माइल आती है ना कोई बीमारी है। और जैसे दाना में आप खिलाओगे भैया तो वैसा ही दाना जो है अपने को रिस्पेक्ट देगा, मतलब कि जैसा आप दाना खिलाओगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना? बेनिफिट मिलेगा। अच्छा भैया देखो, फीड तो बहुत सारी कंपनियां बना रही है, हाँ जी। मैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करूंगा आपसे कि आपके फीड में और उनके फीड में, जैसे आपने बताया आप देसी तरीके से बनाते हो, हाँ जी, तो क्या अंतर है उनके फीड में और आपके फीड में, थोड़ा सा वो विस्तार से बताओ। तो ये क्या है, जो कंपनी का फीड है तो उनमें बीमारी जो लोग कहते हैं ना कि हमारा पूरा फार्म तबाह हो गया और इतने बच्चे मर गए इतने बच्चे मर गए, हमारा जो है दबके मर जाए वो बात अलग है, पर दाने की वजह से ना तो कोई वायरस आता है और ना दाने के वजह से कोई मोर्टेलिटी होती है, क्योंकि वो लोग दाना जो बनाते हैं तो वो जो है एमबीएम जिसे बोलते हैं एमबीएम जो, तो सड़ा हुआ मांस का जो है एमबीएम पाउडर बनाते हैं वो उसमें डाल देते हैं जी जी, और जो मछली का चूरा डालते हैं वो नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो दाना जो बनाया ये बिल्कुल ही बेकार है कंपनी का, मैं ये कहता हूँ, और ना मैं भैया किसी से डर के बात करता हूँ ना कंपनी वाले से डर के बात करता हूँ। दूसरी बात, मेरा जो है जितना भी है ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो दाना
जो बनता है मेडिसिन प्योर जड़ी बूटी का है, और वो ही आएगा जो जो है बॉलर उससे फास्ट चलता है मेरा दाना। जो कंपनी का आप खिलाओ, मतलब जो कंपनियां दे रही हैं फीड, आपका कहना है कि उनसे अच्छा, उनसे फास्ट ग्रोथ करवाएगा बच्चे की, फास्ट ग्रोथ है। दूसरी बात, मेरा बच्चा जो है दौड़े का भी, यानी कि भसड़ नहीं रहता, जो पड़ा पड़ा वहीं पर खाए, एक्टिविटी भी ज्यादा दिखाई देगी, बहुत एक्टिव होता। और ये मैं पूरी ही, मैं वीरपाल सिंह राठौर हूँ, मैं झूठ से नफरत रखता हूँ। दूसरी बात, लोग जो है यूट्यूब पे बोलते हैं, अपना यूट्यूब चलाने के लिए बोलते हैं, मैं इसलिए नहीं यानी कि बोल रहा हूँ, आप लें तो, और मुझसे जुड़ के, ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है सक्सेसफुल 100% होगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर पर। देखो फार्मर भाइयों, ये वीडियो अगर आप कोई देख रहे हो, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, सर का कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फार्मर के पास जाता हूँ और वहाँ पे वीडियो कवर करता हूँ। तो जैसे फार्मर भाई जो बताता है, मैं उस आधार पे ही वीडियो बनाता हूँ। इन्होंने मेरे को बताया कि मैं एकदम ऑर्गेनिक इसके अंदर डाल रहा हूँ, फीड के अंदर जो भी उसका दाने के अंदर है, जो मेडिसिन वगैरह है, जिससे कि क्या है, बच्चे की ग्रोथ भी जल्दी होती है, साथ में क्या है, बच्चे के अंदर एक्टिविटी भी ज़्यादा रहती है। आप एक बार इसका दाना यूज करके देख सकते हो, है ना, तब आपको रिजल्ट अच्छा लगे, तब आप दोबारा से रिपीट करो। चाहे मैं ये नहीं कह रहा बल्क में ले लो, थोड़ा कम ले लो, एक बार यूज जरूर करके देखो। अच्छा, और जैसे किसी भाई को जो है यानी कि दाना अपना बनाना है, तो मुझसे संपर्क करें। मैं पूरी, जैसे आपको यहाँ पर लग रहा है ना कि कम दवाई है, ये जो है मैंने कम जो है, अभी मैंने फार्म जो है खाली करा है, दूसरी जगह बनना है, मैं आपको मैं अभी दिखाऊंगा। अच्छा, आपका नया फार्म बन रहा है? हाँ, नया बनना है। और ये दाना जो जो बनाते हैं कंपनी में, बहुत बहुत दाना ले आते हैं, मेडिसिन ले आते हैं, वो एक्सपायर हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, एक्सपायर हो जाती है फिर भी उसमें पेल देते हैं, उसी कारण वायरस आता है। जी जी, उनका दाना भी उनका, दवाई भी उनकी, वायरस भी उन्हीं का, बच्चा भी उन्हीं का, वो चारों तरफ से अब फार्मर हो जाता है पट। हाँ, परेशान भी। और मैं गारंटी लेकर, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि आप मार नहीं खाओगे किसी कीमत पे। और मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा कि हराम का पैसा नहीं चाहिए, कि मरने के बाद बचेगा कुछ नहीं। 420 हेरा फेरी करना बंद करो। समझाई नहीं? अब फार्म, कुछ लोग कहते हैं ना यूट्यूब पे जो डाल देते हैं कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, कोई सही जानकारी नहीं देता है, वो अपना यूट्यूब चैनल बना लेता है, चल देता है। अरे कम से कम कोई परेशान है उसको अच्छी जानकारी दे दो, जिससे कि उसका जो है, अगर को किसी के पास में 20,000 है, 30,000 है, वो छोटे में छोटे लेवल से काम करे, अब वो वैसे ही बर्बाद हो जाए। तो मानव सेवा करोगे तभी जो है कुछ मिलेगा। जी जी, और नहीं तो युवराज तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। परिणाम बहुत भयंकर भयंकर मिलते हैं, हराम का लेके, हराम का खाके। जी सर, हमारी कोशिश भी रहती है कि हम एकदम सच्चाई दिखाएं। हाँ। बाकी कुछ कुछ फार्मर भाई हैं वो कर जाते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। आज तक की डेट में मैंने यूट्यूब में भी देखता हूँ, लोग जो है कहूँ ये हो गया, ये वो है, फलाना लौड़ा लहसुन, ये दवाई, कुछ नहीं, ये सब बकवास करते हैं लोग, और जो है इससे कुछ फायदा नहीं है। जानकारी दो तो पूरी दो, और नहीं देना तो मत दो, किसी को भ्रमित मत करो। क्योंकि फार्मर भाई के पास इतनी पूंजी होती है, वो लॉस में चला जाए फिर क्या फायदा, क्या कि उसके दिल से क्या बद्दुआ निकलेगी। लोग पैसे डलवा लेते हैं, फिर मोबाइल ही बंद कर लेते हैं, बच्चा नहीं, हराम खोर कहेंगे। और दूसरी बात, आप यहाँ पर आओ, चाय पियो, खाना खाओ, आराम से देखो, बाहर रहो, और मैं पहले एक्स्ट्रा पैसा नहीं डलवाता। बिल्कुल, जब तक मैं पूरी, मैं जो बोल देता हूँ होता वो ही है, पूरी जानकारी दूंगा, पूरा सक्सेसफुल करके मानूंगा मैं। बिल्कुल, ये मेरा दावा है। जी, दूसरी बात, आपको दवाइयाँ चाहिए, दवाई ट्रांसपोर्ट द्वारा, यानी कि मेरे जो है मित्र हैं, भाई हैं, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, तो वहीं से मेरा दाना आता है, और मैं उतनी दाना मंगवाता हूँ, मेडिसिन मंगवाता हूँ, जिससे कि मेरी एक्सपायर ना हो। एक एक कट्टा, एक एक बैग, जैसे अभी कोई कहता है भैया हमें पूरी मेडिसिन चाहिए, मगर उसका चार्ज दाना बनाने का जो मेडिसिन आती है उसमें मैं कमीशन नहीं लेता हूँ, पर पूरी जानकारी देने की, मेडिसिन देने की 35,000 रुपए मैं लेता हूँ। जी, एक्स्ट्रा इसको जो है, देखो मैं समझा देता हूँ वीडियो के थ्रू, क्योंकि मैंने आपसे ऑफ कैमरा भी इस बारे में बात करी है। देखो सर, क्या है, 35,000 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं, अगर आपको ये दाना बनाना सीखना है। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं, अगर आपको ये दाना बनाना सीखना है भाई, किस तरीके से दाना बनता है,
ताकि आपको एक छोटी मोटी फैक्ट्री भी लगा सकते हो दाना बनाने की, है ना। हम मशीन भी दे दूंगा और मशीन भी प्रोवाइड करवा देते हैं सर। और दाना किस प्रकार बनेगा वो भी मैं पूरी जानकारी दूंगा। और बीच बूच में जब भी आपको जरूरत पड़े शाम के 8 बजे से 10 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ। जी जी, तो उस दौरान आप बात करें और बेफालतू जो है ना लेना एक ना देना दे इस प्रकार मुझे परेशान ना करें। हाँ, इस तरीके से फार्मर भाई को परेशान ना करें, क्योंकि उसकी वजह से क्या है, जो अच्छे फार्मर भाई हैं वो उन तक वो जो चीज है जानकारी है वो पहुंच नहीं पाती है। हाँ जी जी, तो अब जो है मैं पूरी जो है फार्मूला दूंगा कैसे दाना बनेगा, और मैं सोयाबीन जो है ऑयल है सोयाबीन का IMBM नहीं डालता, जो भैंसे की जो चर्बी डालते हैं लोग तेल जैसे बोलते हैं वो लोग, जो फैक्ट्री से दाना आता है उसको नाम वो बोलते हैं तेल, और जो भैंसे की IMBM डालते हैं उससे क्या होता है इन्फेक्शन फैलता है, वो खिलाने से बच्चा कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है। जो फार्मर होता है ना वो जो ज्यादा भागशाली होता है उसी का जो है सही चलता है, वो देख रेख करता है, पर उसमें मेडिसिन इतनी पहल दी जाती है कि उसको बचता ही नहीं है कुछ। पर मेरे यहाँ मेडिसिन नहीं लगती है इस दाना खिलाने के बाद, मेडिसिन नो मेडिसिन यानी कि कोई भी दवाई आप नहीं कर सकते। बीच बीच में हफ्ते में 3 दिन केवल लीवर की आप चला सकते हैं, बस ग्रोथ प्रमोटर चला सकते हैं 3 दिन बस ये दे सकते हैं, वरना कोई दवाई नहीं कोई मेडिसिन नहीं। और ऐसे लोगों से बचिए जो जो है लोगों को जो है धोखा दे रहे हैं विश्वासघात कर रहे हैं, उनको ये पता है कि हम मरेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, कि हम जीवित रहेंगे सब नोच नाच के इधर उधर को और हम लेके चल देंगे। तो मरना आ भैया और यहीं छोड़ के जाना, यहीं छोड़ के जाना। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बाकी सर के जो नंबर हैं वो स्क्रीन पे मिल जाएंगे, अगर किसी भाई को फीड बनाना सीखना हो या कुछ मेडिसिन चाहिए हो अपने पोल्ट्री फार्म के लिए तो ये ऑनलाइन भी आपको पहुंचा देते और हैं। और हमारे यहाँ बटेर का टर्की का देसी का भी है, पर हमारे यहाँ प्योर ब्रीड मिलेगी चाहे 1 रुपए ज्यादा या 2-4 रुपए ज्यादा हो, पर प्योर मिलेगी। मैं जो है गपला वाला काम नहीं करता हूँ। जी जी, कि जैसे मिक्सिंग दे दी कोई सा मिक्स मिला के दे दी ये काम मैं नहीं करता जी। आप ले तो ना ले तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा काफी काम है, नीचे भी काम चल रहा है, पूरे घर में काम है, बाहर भी काम है, तो मैं इस बात से बहुत डरता हूँ भैया। और मैं वैसे आपकी मतलब शक्ल देख के मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जी, जो कड़वे लोग जो होते हैं ना वही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो शक्ल है जो फेस है आपकी वो कड़वे वाली लग रही है कि भाई है ना, अगर लेना है जिसको ले, नहीं लेना है मत लो, लेकिन वो अच्छा इंसान होता है। छलकपट से दूर रहो ना भैया, क्योंकि मुझे पता है कि एक एक दिन एक एक मिनट मौत पीछा कर रही है, दरवाजे पे कब खड़ी मिल जाए। तो अच्छा कर चलो किसी के साथ में जो दुआ देगा भैया, कि कहेगा यार फलाने थे वो थे बीरपाल सिंह राठौर थे, वो हमको अच्छी जानकारी, बहुत भले आदमी थे, तो ऊपर जाएगी। देखो नीचे बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, 4 दिन के लिए आए हो, बिल्डिंग बनाओ ऊपर और परोपकार ही ऊपर जाएगा। जी जी, ये छलकपट ऊपर नहीं जाएगा, छलकपट सब नीचे रहेगा, सब नीचे रहेगा बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो नंबर मिल जाएंगे, इनसे जानकारी ले लेना जो भी जानकारी चाहिए हो। और भाइयों अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, इसके लिए मैं चाहता हूँ, चाहे मैं किसी भी कोई भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप फार्मर से पहले बात करो, अच्छे से उनको जानो, और टाइम पास वाले फ़ोन मत करो, उनको फ़ोन करो, और अब अगर आपको काम है तो उनसे विजिट करके और तब जानकारी लो आप कि भाई है ना मैं इस तरीके से फीड कैसे बनाओगे, क्या ट्रेनिंग होती है, ये सब जानकारी, कैसे हमें फीड प्रोवाइड कराओगे, कैसे मेडिसिनल प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। तो धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए।